Hello viewers, welcome back to my channel. Today's topic about mitochondria. इसे प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने यूकैरियोटिक सेल्स पढ़ा था उस यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट था तो वन बाय वन करके हम सेल ऑर्गेनलीज के बारे में पढ़ेंगे तो आज का टॉपिक है माइटोकॉन्ड्रिया के जनरल के बारे में अभी स्ट्रक्चर नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तो माइटोकॉन्ड्रिया इज अ मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज ठीक है मैमब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज का मतलब है कि इसमें दो मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म सेल के साइटोप्लाज्मा में मतलब लिक्विड में माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है सारे यूकैरियोटिक सेल्स में वेदर इट्स प्लांट और एनिमल्स माइट्रोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है यू सेल्स में डेट प्रोवाइड एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट विच इज द मेन एनर्जी मॉलिक्यूल यूज बाय द सेल्स सेल्स को जो सबसे मेन एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे कैटावोलिक और एनावोलिक प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए तो उसके लिए उसको एडी साइन ट्राईफोस्ट्रेट एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है और वो एटीपी बनता माइट्रोकॉन्ड्रिया के अंदर है इसलिए पॉपुलरली नॉन एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल सेल का पावर हाउस है मतलब इसी से ही एनर्जी सेल को मिलती है परफॉर्म करने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ अ फंक्शन डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज है ठीक है प्ले करती है बहुत मेजर रोल इन ब्रेकिंग डाउन न्यूट्रेंट जो भी हम न्यूट्रेंट ले रहे हैं वेदर इट्स कार्बोहाइड्रेट्स फैट और एनी ठीक है वो सब उसको ब्रेक करता है और जनरली उन न्यूट्रेंट से जो भी हम फूड खाते हैं उनसे एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स मतलब एटीपी ये सब सिंथेसाइज करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया का होता है फर्स्ट टाइम इसको डिस्क्राइब किया था रिचार्ड ऑल्टमैन ने 1890 में ठीक है इसको पहले डिस्क्राइब किसने किया था रिचार्ड ऑल्टमैन ने एटी में इसको ड्राइव्ड किया गया है ग्रीक वर्ड से माइटोकॉन्डिया का नाम ग्रीक वर्ड से ड्राइव किया गया है माइटोस मतलब होता है थ्रेड एंड कॉर्ड मतलब होता है ग्रेन्यूल्स ग्रेन्यूल्स मतलब छोटे छोटे नी जैसे ग्रेन्यूल्स होते हैं पेवल्स छोटे छोटे स्टोन जैसे कंकड़ कह सकते हैं पेवल्स छोटे छोटे वाले उसको तो उसको ग्रेन्यूल्स की तरह राउंड शेप्ड के है रॉड सेव्ड स्ट्रक्चर इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है रॉड की तरह है सिलेंडिकल स्ट्रक्चर है और ये प्लांट और एनिमल सेल्स दोनों में ही प्रेजेंट होता है इसका साइज जो है वो 0.5 से लेके 1.0 माइक्रोमीटर इन डायमीटर होता है इसके स्ट्रक्चर में जैसे हमने पहले ही पढ़ा कि ये मैम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलिज है तो इसमें आउटर मैम्ब्रेन और इनर मैम्ब्रेन प्रेजेंट होती है आउटर और इनर मैमब्रेन के आ, अंदर एक जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है मटेरियल प्रेजेंट होता है उसको अपने मैट्रिक्स कहते हैं आउटर और इनर मैमब्रेन जो इसके आउटर और इनर मैम्ब्रेन है वो प्रोटीन से बनी होती है और आउटर मैमब्रेन हैज अ लार्ज नंबर ऑफ आउटर मैम्ब्रेन पे बहुत सारे स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिसे हम पोरिन कहते हैं ठीक है इनर मैम्ब्रेन हैज मैनी और आउटर मैमब्रेन में स्पेशल प्रोटीन्स है जिसे अपने पोरिन कहते हैं और इनर मैम्ब्रेन जो इसके अंदर वाली मैम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं जो एक स्ट्रक्चर बना लेता है उसको अपने क्रिस्टे बोलते हैं ठीक है थीके? तो एक ये जर्नल है माइटोकॉन्डिया के बारे में जब मैं इसका स्ट्रक्चर बताऊंगी तो आपको और भी पिक्चर क्लियर होगी ठीक है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगी थैंक यू